जोहार, मैं सुप्रिया की टूवर्स टीवी चैनल में रर्म का स्वागत है। समाचार शुरू करने से पहले हेडलाइन। अचानक घर से निकल बेटी सृजन आलमा, बेटी कर खोज में बेकुल अभिभावक। फिर से नगरा कटा का सुखानी बस्ती में हाथी कर हमला, इलाका में आतंक। पत्थर झोड़ा कर रंगटंग झोड़ा कर किनार में, 5 दिन कर प्राकृतिक पाठ शिविर। एक समाचार विस्तार में, निखोज बेटी कर खोज में बेकुल अभिभावक, घर से निकल के कौन बटे गेला नाबालिग सृजन लामा, चिंतित हुई जहां निखोज कर परिवार मन। घटना अनुसार बीते 16 दिसंबर कर दिन घर में केखू भी हिया जात हो कह के भी नहीं जानलक। अचानक लापता बेटी सृजना लामा कालचीनी खंड कर हंसी मारा आउटपोस्ट अंतर्गत भरनाबारी चा बगान कर है के पिता विष्णु लामा और माता सपना लामा कर एकमात्र बेटी है के। बेटी सांझ तक घर नहीं आवल पीछे हिने हुने खोज के दूसरा दिन 17 दिसंबर कर दिन जयगांव थाना अधीनस्थ हंसी मारा आउटपोस्ट पुलिस फाड़ी में बेटी लापता होवल डायरी करलक पिता विष्णु लामा और जानकारी दिलाय। 9 दिन हो गेलक बेटी कर कोनो पता नहीं चल है। पिता विष्णु लामा कहलें कि मोर बेटी के कोहो देखबा हले हमर ठीना खबर देबा, मोई प्रचार माध्यम से सब कोई के अनुरोध करत हो। गत 16 तारीख अपराह्न घरमै थियो र त्यसपछि अपराह्न पछि घरबाट कहाँ गयो थाहा भएन। त्यसपश्चात मैले साँझ फर्कि आउँछ भन्ने धेरै आशा गरेँ, तर फर्किन आउँदा मैले आफ्नो आफन्त र छोरीको साथीभाइहरूलाई छरछिमेकीहरूमा र आफन्तहरूमा खोजबिन गर्दा नपाउँदा मैले मेरो छोरीको मिसिङ डायरी गत 17 तारिक हाँसिमारा थाना आउटपोस्टमा मैले गरेको थिएँ। त्यसपश्चात आजसम्म मेरो छोरीको कुनै अपत्ता पत्ता छैन र कतै ह्युमन ट्राफिक र मानव तस्करीको सञ्जालमा परेको जस्तो लाग्छ मलाई। ल हुने आशंका छ मलाई, मेरो छोरी कता गयो के हो कसो भयो आजसम्म कुनै खोजखबर न कुनै सम्पर्क भएको छैन। त्यसले गर्दा मलाई चिन्ता लाग्छ, कतै मानव तस्करीको सञ्जालमा परे पो हो कि जस्तो शङ्का लाग्छ। र त्यस्तो त नहोस् तैपनि मलाई डर छ, म बाबा हुनुको नाताले म विष्णु लामा भर्नावाडी चिया कमान को बासिन्दा हो। नगर कटाकर सुखानी बस्ती में फिर से हाथी कर हमला, टुटाला घर द्वार, इलाका में आतंक छाए जाए। नगरगटा ब्लॉक कर सुखानी बस्ती में फिर आलक हाथी और तोड़ दलक घर। 10 दिन नहीं हुआ थे ये गांव में एक जन के मार के फिर आतंक मचालक। आज बिहाने जलढका जंगल से आए के सुखानी बस्ती में विशाल संथार कर रिंधे घर के टूटाई दिलक, घर के एकदम टूटाई के खत्म कर लक हाथी। ये घटना से इलाका में आतंक फैल जा है। नमस्ते दर्शक वृन्द, हामी डुवर्स टिभी आज यहाँ नगरकट्टाको सुखानी बस्तीमा गत राति 2 बजी हात्तीको आक्रमणको कारणले एउटा घर क्षतिग्रस्त गर्न गरेको खबर पाउनसाथ हामी डुवर्स टिभी स्थलगत निरीक्षणको लागि यहाँ आएका छौँ। नगरकट्टा सुखानी बस्ती विजय सन्थालको एउटा किचन हिजो राति हात्तीले क्षतिग्रस्त बनाइदिएको छ। यसै सन्दर्भमा हामी विजय सन्थालकै आमा हुनुहुन्छ यहाँ हामी समक्ष, उहाँसँगै हामी कुरा गर्नेछौँ। तोइन मन कहाँ करत रहेछौ टाइममै? कहाँ खडाएर भित्रै चाहिँ देखात रहली, कहाँ निक्लु निक्ल कितना ठो आइरहे आदमी? 2 टो, 1 टो आइरहे। 1 टो और खाली घर बन घर तोड़लक कि और कोनो धार जोड़लक? नहीं निकलक कोनो अन्न वाली नहीं? नहीं। और आदमी मन के? आदमी को नहीं कह रहे कोनो। कितना जन रही तुम? हमने घर से नहीं निकल ली, कल के निकल। कितना जन रही तुम घर में? यहाँ 3 जान, वहाँ 2 जान। और इन्हें उन्हें आदमी मन कर खबर नहीं कर लेते इनमें? नहीं, ये घर कर दोकान वाला एक लेप धालक ढोंगा से तब भागला कने। दर्शक वृन्द, हामीसँग हिजो राति जुन यहाँ घटना भयो त्यसको प्रत्यक्षदर्शी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग पनि केही कुरा गर्नेछौँ। दादा आफ्नो नाम? आफ्नो? विष्णु सन्थाल। विष्णु सन्थाल, अच्छा, इठो कितना बजे घर घटना रहे? इठो काल 2 बजे राति घर। तो इनमन कहाँ करो त्यस टाइममै? वो टाइम आप सोच रहे सुत के आप टूटा लखने कूद के आलिए आए कि आप कोनो करेक्ट तो नहीं सका थी, आप घर भीड़े भी जाए नहीं सका कि देख के डर हो गया। और हम आप शांत घर से 6 बजे हो गया निकले के मुश्किल वही कल परसों हाथी मार है उसका डर से तो एक जन के 7-8 दिन आगे मार है उसका डर से एखन आदमी हनके निकले के मुश्किल हो जाए घूमे के मुश्किल हो जाए शांत घर कोनो काम हो गया कि केकरो घर बीमार हो गया ओकरो भी जाए मुश्किल हो जाए फरा सलाह तो वार्ड लैब भी नहीं आवेल कहिया कहीं आवेल कहिया नहीं आवेल फोन करा से बातें नहीं करे। और तो इन मन कहा चाहते
हमें चाहे कि फॉरेस्ट से कोनो हम के लिए सुरक्षा हो, कोनो इलेक्ट्रिकर लगाए रहे लाइन फिनिशिंग वो भी कोनो देखभाल करबे नहीं करे ना, वो आए हाथी आवेला टूटा देवेला चल जाएला उकर देखभाल नहीं के तो वो खत्म होगा, टूटा फूटा के कोनो नहीं के, वो भी ए पी सी थ्रू से कराल रहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से तो कोनो कराले नहीं के, तो से इलाका में कि कोनो डिपार्टमेंट हमके कोनो सहायता देवी कोनो फिनिशिंग तार लगाई अच्छा से लगाई अच्छा से देखभाल करी हमें भी घूम सकब कि कहो केकरो घरे कोनो होला जा सकब आ सकब। यस गाँव का सामाजिक कार्यकर्ता या यस गाउँ का शिक्षक हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी केही कुरा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम तपाईँको नाम? मेरो नाम कपिल निरला हो, म यही गाउँको बासिन्दा हुँ। धेरै दिन भयो यो म अब जहिलेदेखि जान्दछु तहिलेदेखि यहाँनिर जङ्गली जो हात्तीहरू छन् विशेषतः हात्ती कोही कोही बेला गैँडा पनि पस्छ तर विशेष चाहिँ हात्ती हात्ती चाहिँ यहाँनिर मुख्य समस्या भइरहेको छ हाम्रो गाउँमा। बेलुका घाम डुब्न पाउँदैन, हामीलाई डर हुन्छ कि कहाँ कतिखेर जम्का भेट हुन्छ भन्ने, गाउँ घरबाट निक्लिन पनि हामीलाई मुस्किल भइरहेको छ, त्यति साह्रो उपद्रव छ भनौँ अब हात्तीको, त्यस्तो भइरहेको छ। हजुर, यो पहिलो घर है, यो पहिलो घर नै चाहिँ कतिपल्ट तुडिसकेको होला, किनभने यो त पहिलो हात्ती आउने बित्तिकै जम्का भेट हुने घर होइन। यो घरलाई अब भर्खर नयाँ हो यो घर बनाएको, अहिले तोडेको चाहिँ छैन यो घरलाई हो, तर अब मुख्यद्वार मतलब प्रवेशद्वार चाहिँ यही हो हात्तीको, यही बाटो अब यता जान्छ र यहाँ घरको मान्छे चाहिँ अब बेलुका पाँच बजीदेखि उता जब अँध्यारो अँध्यारो हुन्छ ननिक्लिँदा पनि हुन्छ कि हात्ती कतिखेर अब जम्का भेट हुन्छ, डराइ मर्दो छ यहाँ। बुधबार से शुरू होला उत्तर बंगाल का अन्यतम प्राचीन परिवेश प्रेमी संगठन हिमालयन नेचर एंड एडवेंचर फाउंडेशन 35वां प्राकृतिक पाठ शिविर। माल ब्लॉक कर पहाड़ और पहाड़ी झोड़ा से घेराल पत्थर झोड़ा में रंगटंग झोड़ा कर किनार में 5 दिन का ये प्राकृतिक पाठ शिविर बैठे। यह दिन दोपहर 1 बजे लेके राष्ट्रीय झंडा उठाए के शिविर का सूचना करें वन्य प्राण विभाग कर उत्तर बंगाल कर मुखिया वनपल उज्ज्वल घोष। संगठन झंडा उठाएन नेप कर संपादक राज्य कर बहुत जगह से 140 जन युवा युवती मन इस शिविर में भाग लेवे। गाइड और दोसर दोसर मिलाई के 175 जन शिविर में आ है। संगठन कर कोऑर्डिनेटर अनिमेश बसु कहलाए इस शिविर चले आउती 30 दिसंबर तक। इस शिविर में युवा युवती मन के प्राकृतिक कर गाछ गछाली चिन्हल हुई, पहाड़ में चढ़े नदी पार होवे भी सिखाल हुई। मुखिया बनपाल घोष कहलाए प्रकृति के नी चिन्हल से और प्रकृति के प्यार नी करल से अच्छा आदमी बनाल नहीं जाए। यह प्राकृतिक कर पार से युवा युवती मन खाता कलम में बहुत कुछ सीखे सकबा। सुंदर इस शिविर में रहे पैर के युवा युवती मन बहुत ही खुशी नजर आवा था। जो पार्टिसिपेंट अंशग्रहण कर राज्य विभिन्न जगह एमक स्थानीय ऐलेमेराव आखानकार गाइड एस्कॉर्ट हमारे सपोर्ट स्टाफ सब मिले 175 जन शिविर चलो 30 तारीख अब्दि जेटा श्री उज्ज्वल घोष बोलें जो एक सुस्थ समाज गढ़ते गई धरण मानुष ही तैरि करते हैं जरा प्रकृति परिवेश सम्बन्धे दायित्वशीलता নিয়ে তারা কাজ করবে আগামী দিনে, কেন পরিবেশ নির্ভর করছে আগামী দিনে ভালো থাকবে না খারাপ থাকবে সেটা এই প্রজন্মের উপর। নাল রাঠিয়া मैं मेरा ये 7वां विंटर कैंप है और दोनों समर और विंटर मिला के मेरा टोटल 15 कैंप है। यहाँ पे हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है जैसे कैसे पहाड़ में चढ़ते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, पहाड़ में चढ़ते वक्त हमें क्या साइन देना पड़ता है, बातचीत अगर कोई कुछ दिखे तो कैसे साइलेंट होना चाहिए और कैसे मीन्स लोगों को कैसे पास करें कि हमको ये चीज़ देखना है तो हम आगे बढ़ रहे हैं आप भी ये चीज़ देखिए। और हमें ये भी सिखाया जाता है कि रॉक को चढ़ने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, आप देख सकते हैं वहाँ पे बोर्ड है रॉक क्लाइंबिंग का, वहाँ पे हम लोग रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, फिर हमें टेंट ये सब के बारे में बताता है। बीते कल अलीपुरद्वार जिला पुलिस प्रशासन बटले आशा है बीरपड़ा चाय बगान कर मजदूर मंग के ठंड कर कपड़ा कंबल और केक वितरण कराल गया। दूसर बटे बंद रेड बैंक चाय बगान में भी असहाय मंग के कपड़ा वितरण कराल टूलिप्स बोर्ड नामक संगठन। अलीपुर द्वार जिला पुलिस प्रशासन कर उद्योग और बीरपड़ा थाना कर सहयोगिता में एक ठो कार्यक्रम में ई वितरण सभा होलक। उपस्थित रहे जिला पुलिस सुपर नगेंद्र त्रिपाठी, अतिरिक्त जिला सुपर कुंतल बैनर्जी, अलीपुर द्वार जिला परिषद कर मेंटर मोहन शर्मा, तृणमूल कांग्रेस सभापति मृदुल गोस्वामी, समाज सेवी पदम लामा सहित थाना कर ऑफिसर मन,
जानकारी मिललक बीरपड़ा चा बगान लेके आवती जनवरी कर पहला हफ्ता एक ठो बैठक किया है। बीरपड़ा चा बगान कर हालत ठीक नखे, मालिक छोड़ के चल जा है, काम काज बंद आ है, जेकर से मजदूर कर हालत बहुत ही खराब आ है। मैं समझता हूँ अबू का दुख, अबू का दर्द क्या होता है। चलिए, ये पुलिस का जो काम है ये बहुत ही सराहनीय है, ये इसीलिए संभव हुआ, एसपी साहब ने बोले, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमारी सबकी दीदी प्यारी दीदी ममता बनर्जी का जो मानविक मुख है, जो मानवता के प्रति जो उनका लगाव है, उसी के तहत पुलिस का आज ये काम है। ये धन्यवाद देना चाहेंगे, हम सबको बोलेंगे एक बार हमारी मुख्यमंत्री ममता दीदी के लिए एक जोरदार ताली आप लोग का ओर से हो। प्राय समस्त टी गार्डन्स भीतरे हमरा 53 कोशिश फ्री कोचिंग सेंटर स्टार्ट करे रखे छी, जेखाने किछु जगह हमार सिविक वॉलंटियर और किछु जगह हमरा प्राइवेट ट्यूटर रिप्यूट करे छी, जे अपनार जे छेले में आछे छोटो बच्चा ओरा भी पढ़ते पारे ओखाने। और ए मंच थेके भी हमरा अपनाके एक टू अनुरोध करब कि आपनी अपनार छेले के मे के या योर ग्रैंड जे चिल्ड्रंस आछे ओनाके टू पठाबेन अपनी स्कूले। गरीब मानुष जन सबसे बड़ा हथियार आछे शिक्षा, जे हमरा हमार लोक के शिक्षित करते पारी ओस थेके बड़ो हथियार किछु नहीं। एखन समय हो गेला छोटका से ब्रेक कर, ब्रेक कर बाद में फिर से आवत तब तक लेकिन देखते रहा डूबस टीवी। फन टू लाइफ, अब प्रतीक्षा को समय खत्म। SGMG मल्टीमीडिया द्वारा अब नेपाल को नया नया प्रसिद्ध नेपाली चलचित्रहरू तपाईहरूको समक्ष प्रस्तुत भइरहेछ तपाईहरूकै शहरमा। अधिक जानकारी को निम्ति लग अन गर्नुहोस् www.sgmg.in मा, कल गर्न सक्नुहुन्छ 7797802307। फिर से स्वागत है। एखन खेल समाचार। ओदलाबड़ी का नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट में फाइनल खेला में सिक्किम कर हिमालयन FC सिक्किम कर ही पुलिस टीम के पराजित कर लग 2-1 गोल में, जो वर्स्ट टीवी का टीम हुआ शामिल रहे। चला देखा वेक्टर रिपोर्ट। नेताजी सुभाष एथलेटिक क्लब एंड मोहन स्पोर्टिंग क्लब को यह संयुक्त तत्वधान में भइरहेको रात्रि फुटबल टूर्नामेंट को आज फाइनल खेल ओदलाबाड़ी को यो विधानपल्ली ग्राउंड में अब चाँडो भन्दा चाँडो सुरुआत हुन गइरहेछ र लात्ते भकुण्डो खेल को जो आनंद विश्वले लिने गर्छन्, सबैभन्दा देर खेल भन्दा सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ खेल को यो पश्चिम डुवर्स को ओदलाबाड़ी में अब इस क्षेत्र का मानिसहरू फुटबल भनेर जो हुरुक्क हुने गर्छन् अब केही बेरपछि विटनेस हुन गइरहेका छन् र आज फुटबल को फाइनल में डुवर्स टिभीलाई अत्यन्त आदर सम्मान र अत्यन्तै प्रमुखताको साथ यहाँ आमन्त्रण गरेको हुनाले र प्रत्येक खेललाई यहाँ डुवर्स टिभी का दर्शकहरुको लागि खेल को अपडेट दिइरहेको कारणले गर्दा आज हामी फाइनल को टोटल कभरेज को लागि यहाँ आएका छौं र हाम्रो टिम र क्रू का अब डुवर्स टिभी का एकदमै दर्विलो स्तम्भ हुनुहुन्छ ममता प्रधानजी, आजको यो जुन चाहिँ फुटबल फाइनलमा कुन कुन टिमहरू बसेको छ भन्ने कुरा यहाँलाई थाहा छ र तपाईँ अब कुन कुन टिम मध्ये आजको जो फाइनल छ त्यसको अलिकति विवरण दिएर कसको फेभरमा हुनुहुन्छ अलिकति म खुलस्त गर्ने आग्रह गर्छु। आज सिक्किम पुलिस र वर्सेस सिक्किम हिमालयन FC को बीच में यहाँ एकदम महायुद्ध यहाँ छिड़ने आज रो फुटबल ग्राउंड में हमी उपस्थित भैया यहाँ रो एकदम चाखलाग्दो एकदम एक्साइटेड यो गेम होने मैं आशा छ। आज को इस भीड़ जो मुठभेड़ होते दुईजना को दुईजना दुईटा टोली को तो टोली में मैं खास करी सिक्किम पुलिस को फेवर में छु, सिक्किम पुलिस मज सपोर्ट करने क्योंकि अब पुलिस हम रक्षा करने हम हमीला सबला शांति दिने रक्षा करने हम तो रही जवान म सिक्किम पुलिस नहीं सपोर्ट कर आशा कर प्रोग्राम एकदम राम्रो हो गेम एकदम चाखलाग्दो फुटबल में म एकदम इंट्रेस्टेड छु, फुटबल हेर्न निके मजा आने दर्शक तब हम इस गेम को एकदम अपडेट हम दी रख हमीसंग बनी बनी रख्स रामी वहाँ ने भनी हाल सिक्किम पुलिस वहाँ को फेवरेट टोली आज को वहाँ जिते वहाँ अब एकदम खुशी होने भाई कुछ राख्देखि म हिमालयन FC सिक्किम आपको
सबै दाउ लगाउने र जोड लगाएर आज यो विजय पगडी गुथेर यहाँबाट फर्किने म अगाडिबाट नै हिमालयन एफसीको सपोर्टर हो र पहिलो जो म्याच भएको थियो त्यसमा पनि जित्दा म एकदमै 10 हात माथि उफ्रेर खुसी भएको थिएँ र उत्साहले उचालेको थिएँ र फाइनल पनि यसले जितेर जाओस् भन्ने कामना गरेको थिएँ भनेदेखि आज त्यसरी नै त्यही टोलीले फाइनलमा पुगेको छ जम्का भेट भइरहेको छ सिक्किमकै अर्को टोली सिक्किम पुलिससँग र सिक्किम पुलिसको पक्षमा उहाँ म हिमालयन एफसीको पक्षमा भनेपछि आज दुईजनाको बिचमा पनि हाम्रो यहाँ एङ्कर एङ्कलको बिचमा पनि आज घमासान भइरहेको छ र आज बाजी लगाउने कुरा पनि भइरहेको छ हेरौँ अब यो तमाम खेलको 90 मिनट आफ्टर 90 मिनट कसको पक्षमा जानेछ ममता अथवा अजयको जित हुनेछ किनभनेदेखि यहाँनिर बाजी सुरु भइसकेको छ र हामी यहाँ आकर्षक ट्रफीहरू पनि देखाइरहेको छ तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यहाँ यस टुर्नामेन्टमा यत्रो 1 लाख नगद राशि सँगसँगै यत्रो ठुलो आकारको विनर ट्रफी छ विमल घोष श्रद्धेय अनि स्वर्गीय विमल घोष मेमोरियल विनर ट्रफी उहाँको स्मृतिमा विमल घोषज्यूको स्मृतिमा यो विनर ट्रफी राखिएको छ बहुतै विशाल आकारको छ भव्य छ सुन्दर छ आकर्षक छ अनि रनरअप उपविजेताको ट्रफी चाहिँ यहाँ पारस राम अग्रवालको स्मृतिमा प्रदान गरिएको छ र उपविजेताको ट्रफी र सँगसँगै यहाँनिर हामीले फेयर प्ले ट्रफी पनि राखिएको हामी देखिरहेका छौँ आजभोलि हरेक टुर्नामेन्टमा फेयर प्ले ट्रफी पनि राख्ने गरिन्छ र फेयर प्ले ट्रफी यसकारणले राखेको किनभनेदेखि खेलमा एकदमै शान्तिपूर्वक एकदमै राम्रो प्रकारले अनि शिष्ट प्रकारले र तरिकाले खेल्यो भनेदेखि हरेक खेलहरू राम्रो हुन्छ भन्ने कुरालाई उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नलाई यस्तो प्रकारको ट्रफीहरू राखिन्छ र यसबाहेक पनि उत्कृष्ट खेलाडीहरूको लागि यहाँ ट्रफी राखिएको छ म्यान अफ द म्याच म्यान अफ द टुर्नामेन्ट इत्यादि यहाँ सर्वश्रेष्ठ खेलाडीहरूको लागि पुरस्कार राखिएको आकर्षक हामी यो दृश्यहरूबाट देखिरहेका छौँ र आज यही उपाधि जित्नको लागि आज दुई टोलीको 22 जना खेलाडीहरूले आफ्ना समस्त दाव समस्त शक्ति अनि कौशल यो ओदलाबारीको विधानपल्ली यो फुटबल माटमा मैदानमा लगाउनेछन् र हामी अब केही बेरपछि यो खेलको विटनेस बन्न गइरहेका छौँ এখানকার সমাচার এখন সময় হয়ে গেল বিদ্যালয় তবতকার দেখতে রাহা 2+ টিভি।